इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइन पर। अन्ना टोड़ी और ईरानी गैंग की नागपुर में दहशत, अब जागा विपक्ष, पंचभाई पर सरकार से पूछे ये सवाल। फरीदाबाद में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। अब खबरें विस्तार से। नागपुर शहर में लूट की घटनाएं बढ़ती जा रही है। प्रतिभाशाली पुलिस द्वारा आम जनता की लूट बढ़ गई। संभाजी कदम की अपराध शाखा ने शहर में अन्ना गिरोह और ईरानी गिरोह के गुनहगारी के बारे में इन आपराधिक समूहों ने पुलिस के सामने एक नई चुनौती उठाई। पिछले कुछ दिनों से पैसों और अन्य चीजों की घटनाएं घटी। दक्षिण भारत में अन्ना जनजाति के सक्रिय की है। हर एक हिस्से में 5 घंटों में 5 घटनाएं हो रही है। पुलिस विभाग हमेशा दावा करता है कि नागपुर शहर में अपराध दर में कमी आई है। ग्राहकों की बढ़ती भीड़ का लाभ लेने का आरोप पुलिस ने लूट लिया है। प्रचार अभियान के दौरान मुख्यमंत्री रमन सिंह को जिस बुजुर्ग महिला ने चावल और 11 रुपए शगुन के तौर पर भेंट दी, हमने पड़ताल कर उनकी हकीकत सामने आई। त्योहारों के दौरान दुकानदार रोड पर अतिक्रमण करने लगे हैं, जिस पर काबू में पाने के लिए वल्लभगढ़ बस स्टॉप पुलिस चौकी ने शहर में अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया गया। MNS न्यूज लाइव देखने के लिए MNS इंडिया प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें और हमारे MNS न्यूज लाइव को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।